आज के इस वीडियो में हम आप सभी को खास न्यूज़ देने वाले हैं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को नागिन 5 से जुड़ी एक खास खबर देने वाले हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं बानी का किरदार निभा रही अभिनेत्री सुरभि चन्ना के बारे में, जिनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि बानी के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद सुरभि चन्ना नहीं थी, और मेकर्स ने 5 दूसरी अभिनेत्रियों को बानी बनने का मौका दिया था, लेकिन उन अभिनेत्रियों ने किसी न किसी वजह से किरदार करने से मना कर दिया, और जिसकी वजह से बानी का किरदार निभाने का मौका सुरभि चन्ना को मिल गया और सुरभि ने बानी के किरदार को साइन कर लिया। तो आइए आपको हम बताते हैं कौन सी है वो 5 अभिनेत्रियाँ। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और साथ ही आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, 5वें नंबर से बात करते तो 5वें नंबर पर आती हैं कृतिका सिंगर। कृतिका पहली है जिनको बानी बनने का मौका मिला था, लेकिन कृतिका का हेल्थ ठीक नहीं था और अभी कृतिका काम नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से कृतिका ने बानी बनने का सुनहरा मौका गंवा दिया। और अब 4थे नंबर पर नाम आता है अलीसा पनवर का। तो अलीसा को नागिन 4 के लिए भी अप्रोच किया गया था और अब नागिन 5 के लिए भी, और इनको इस बार बानी बनने का सुनहरा मौका मिला था, पर इन्होंने ना जाने क्यों इस मौके को गंवा दिया और ये किरदार करने से मना कर दिया। 3रे नंबर पर नाम आता है सना सैयद का। इनको भी मेकर्स ने अप्रोच किया था, बानी बनने का मौका इनको भी मिला था, लेकिन सना ने पहले ही एक प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था, जिसकी वजह से इनको भी मना करना पड़ा। 2रे नंबर पर नाम आता है हीना खान का, जिनको आपने नागिन 5 में आदि नागिन के किरदार में देखा होगा। इनको भी बानी का किरदार ऑफर हुआ था, पर ये अपने आप को टीवी शो से बांधना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने बस 3 एपिसोड करने का ही फैसला किया और इन्होंने नागिन 5 को बस अपनी पहचान दी कि वो भी इस सीजन में थी, और इन्होंने बानी का किरदार नहीं निभाया। नंबर 1 पर आती हैं सुरभि ज्योति, जिनको नागिन 3 में काफ़ी पसंद किया गया था और इनको भी नागिन 5 में बानी का किरदार निभाने का मौका मिला था, पर इन्होंने भी ना जाने क्यों किरदार करने से मना कर दिया और अंत में एक किरदार सुरभि चन्ना को मिल गया, और ये बानी के किरदार में काफ़ी पसंद भी की जा रही है। तो अब आप सभी को सुरभि चन्ना बानी के किरदार में कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।